सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इट्स का प्रोडक्शन। एंड इस वीडियो में मैंने दिखाया है आप स्क्रीन पे जो स्टेटस देख पा रहे हो उसे कैसे क्रिएट कर सकते हो बहुत ही इजी मेथड से। एंड देखो यार, इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको रिक्वायरमेंट होने वाले कुछ मटेरियल्स की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, सो वहां से डाउनलोड कर लेना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हो। ओके, नाउ सबसे पहले क्या करना है आपको, अपने कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करना है, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे स्टॉक वीडियोस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से जस्ट व्हाइट इमेज को सेलेक्ट करके ऐड कर लेना। ओके, नाउ इसका ड्यूरेशन को ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। देन उसके बाद क्या करना है, ये जो लास्ट में वाटर मार्क आ रहा है ना, जस्ट इसे हमें डिलीट कर देना है। एड मीस एड वाले बटन पर क्लिक करना होगा, फिर ये बोलो प्लस वाले बटन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे कुछ फोटोज को जस्ट आपको यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। मीन्स 5-6 फोटोज ऐड कर लो, आपका काम हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ फोटोज को ऐड कर लेता हूँ। देन जस्ट यहाँ पे हमें कर लेना है ऐड पे क्लिक। नाउ यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देख सकते हो यार, सभी का फोटो जो है वो आ तो गया है बट इरेगुलर शेप में, ठीक है। तो इसे रेगुलर शेप देने के लिए, मीन्स 9:16 वाला शेप देने के लिए क्या करना है, मैं जस्ट यहाँ पे स्क्रॉल करना है, फॉर्मेट पे क्लिक करना है एंड 9:16 को सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद क्या करना होगा, इन सभी इमेजेस को जस्ट आपको अपने फिंगर से जूम इन करना होगा इस तरीके से, ठीक। सो जूम इन कर लेने के बाद जस्ट यहाँ पे आपको फिर से स्टार्टिंग में आ जाना होगा एंड यहाँ पे ओवरले पे जस्ट क्लिक करना है। ओवरले पे क्लिक करने के बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करना होगा एंड अगेन आपको इस वाइट वाले इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। सो वाइट वाले इंपोर्ट हो जाने के बाद जस्ट इसका ड्यूरेशन को आपको पूरे वीडियो के लास्ट तक कर देना होगा। एंड उसके बाद क्या करना है, जस्ट इसको साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करना है, यहाँ पे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जस्ट आपको एक दिखने वाला मार्क्स, तो मार्क्स पे आना है एंड इसका स्प्लाइस को स्प्लिट मार्क्स को जस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा। एंड देन यहाँ पे ये जो एरो दिख रहा है, जस्ट इस एरो को थोड़ा सा डाउन कर लो, आपके जो फेदर इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, नाउ इस मीन्स इसे भी हम थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं ताकि हमारा साइज हो जाए सही से, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हमें कर लेना है डन। बट देखो यार, ये जो है उल्टा है, तो इसे सीधा करने के लिए अपने फिंगर से इसे जस्ट रोटेट करना होगा। तो यार एक बार में तो नहीं, लेकिन दूसरा बार में रोटेट हो जाता है हमारा, ठीक है। तो अपने फिंगर से इसे रोटेट कर लेना है। देन क्या करना होगा, यहाँ पे स्टार्टिंग में आना होगा एंड फिर से यहाँ पे आपको वही एड ओवरले पे क्लिक करना होगा। एंड इस पर क्लिक करने के बाद जस्ट इस बार आपको वीडियोस पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जस्ट आपको कोई सा भी एक वीडियो इंपोर्ट कर लेना है, लिरिक्स वीडियो, ठीक है। लिरिक्स वीडियो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में एक दो का लिंक मैं दे दूंगा। एंड यहाँ पे और भी लिरिक्स वीडियोस हैं जो कि आपको YouTube पे मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप यूज कर सकते हो। सो सर्च क्या करना होगा, सर्च करना होगा वाइट स्क्रीन स्टेटस, ठीक है। एंड यहाँ पे कर देना है हमें ऐड। तो इस तरीके का टेम्पलेट आपको बहुत सारे मिल जाने वाले YouTube से, देख लेना, ठीक है। देन उसके बाद इसे थोड़ा सा यहाँ पे करना है जूम इन एंड यहाँ पे जहाँ से हमारा व्हाइट वाला इमेज जस्ट खत्म होता है वहाँ पे इसे हमें कर लेना है स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट करने के बाद जस्ट हमें ये वाला जो अब हमारे पास पार्ट आया ना, जस्ट इसका स्प्लाइस पे आना होगा एंड इसका स्प्लाइस को हमें जस्ट कर देना है स्लाइड, ठीक है। स्लाइड करने से आप देख सकते हो इसका जो वाइट वाला बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है। नाउ इसे हमें कर देना है डन। डन करने के बाद जस्ट इसे क्या करना, थोड़ा सा छोटा करना होगा एंड यहाँ पे नीचे में हमें एडजस्ट कर देना। ओके, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो मीन्स हमारा काफ़ी कमाल वाला लिरिक्स वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड ओके, नाउ यहाँ पे हमारा सिर्फ एक काम बाकी है और वो काम ये है कि इसमें हम एनिमेशन कैसे ऐड करें, मीन्स ये जो फोटोज हैं उनमें हमें एनिमेशन ऐड करना है, ठीक है। तो एनिमेशन ऐड करने के लिए क्या करूँ, एनिमेशन पे क्लिक करना होगा एंड कॉम्बो पे आके जस्ट यहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जो एनिमेशन अच्छा लगे, देखो यहाँ पे सारे एनिमेशन यूज करके आप देख सकते हो, जो एनिमेशन अच्छा लगे जस्ट उस एनिमेशन को जस्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। नाउ यहाँ पे मैं जूम इन वाले को अभी फिलहाल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद देखो इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना ना कि अगर आप एक मीन्स कॉम्बो से यूज करो, जैसे कि एनिमेशन में आके कॉम्बो से यूज करो, देन उसका नेक्स्ट वाले पे इन एनिमेशन पे आना एंड यहाँ से यूज करना। देखो ये कॉम्बिनेशन ना एक कमाल का लुक देता है, ठीक है। अगर बिलीव नहीं है देन यूज करके देख सकते हो तुम, ठीक है ना। और देखो जो भी यूज करोगे ना इफेक्ट, यहाँ पे इसका ड्यूरेशन को कंप्लीट कर देना। ओके, नाउ अब इसे प्ले करके मैं दिखाता हूँ। दो ही इफेक्ट मैंने यूज किया और इतना ही मैं काफ़ी अच्छा ये लगने लगेगा। ओके, सो इस तरीके से करके मीन्स यहाँ पे ऐड कर सकते हो। देन नेक्स्ट वाले पे वही क्लिक करना होगा, एनिमेशन पे क्लिक करना होगा, कॉम्बो पे क्लिक करना होगा। अरे भाई कहाँ चले गए ऐप जी, ठीक है। कॉम्बो पे क्लिक करना एंड कोई सा भी एक अच्छा वाला इफेक्ट यूज कर लेना है। सो मुझे ये अच्छा लग रहा है, देन मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट वाले में आना, इस बार हमें एनिमेशन मीन्स इनको
यूज करना होगा, ठीक है, क्योंकि अभी अभी हमने कॉम्बो को यूज कर लिया। देन यहाँ पे सेक को मैं इस बार सेलेक्ट करता हूँ एंड इसका ड्यूरेशन को कंप्लीट कर देता हूँ। नाउ फिर से मैं नेक्स्ट वाले फोटोज पे आना होगा, एनिमेशन पे क्लिक करना होगा, कॉम्बो पे क्लिक करना होगा एंड कोई अच्छा वाला फिर से मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो इसे हाँ ठीक ही है, ठीक है, इसे सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन पे तो आऊँगा बट इन एनिमेशन को सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं तो जो अच्छा लगेगा वो मैं यूज कर लूँगा और ड्यूरेशन को कम्प्लीट इंक्रीज कर दूँगा। तो इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे हम एनिमेशन दे सकते हैं। एनिमेशन देने के बाद जस्ट हमें कर देना है डन एंड उसके बाद हमें वीडियो को जस्ट एक बार प्ले करके देखना और देख लेना कि सारा चीज़ ओके है या नहीं, क्योंकि यार हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका है। और अगर कहीं पे आपको लगे कि एनिमेशन दूसरा रहना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि इस वाले में मीन्स उतना सही नहीं लग रहा है, देन मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एनिमेशन इसका चेंज कर रहा हूँ। सो इसका एनिमेशन को मैं सेक वन कर देता हूँ। इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे चेंज वेंज करके सबको एडजस्ट करके जस्ट यहाँ पे आपको कर देना है इसे एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट करने के लिए जस्ट यहाँ पे आपको रेजुलेशन से देखने को मिलता है कि जिस रेजुलेशन में आपका मोबाइल में कंफर्टेबल हो उसे सेलेक्ट करो, देन उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करके इसे कर लेना एक्सपोर्ट। सो देखो इस तरीके से करके मेरे से आप स्टेटस क्रिएट कर सकते हो एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।